हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे गरुड़ अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ संपन्न। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ संपन्न हुआ। इस अभ्यास में भारतीय वायु सेना और फ्रांस के वायु और अंतरिक्ष बल ने भाग लिया। ये अभ्यास 26 अक्टूबर को शुरू हुआ था और गरुड़ अभ्यास का 7वां संस्करण था। ये अभ्यास 12 नवंबर 2022 को जोधपुर के वायु सेना केंद्र में संपन्न हुआ। FASF ने राफेल लड़ाकू विमान A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान के साथ अभ्यास में भाग लिया, जबकि भारतीय वायुसेना के दल में सुकोई 30 MKI राफेल लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट तेजस और जैगुआर लड़ाकू विमान शामिल थे। इसके अलावा गरुड़ 7 अभ्यास में फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और गरुड़ स्पेशल फोर्सेस भी शामिल थी। ये अभ्यास दोनों देशों की हवा में ताकत को परखने और उसे तकनीकी रूप से अधिक मजबूती प्रदान करेगा। इससे भारत और फ्रांस के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस तरह के अभ्यासों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा पेशेवर बातचीत, अनुभवों के आदान प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त वायुसेना के गरुड़ अभ्यास का पहला, तीसरा और पांचवा संस्करण भारत में क्रमशः 2003, 6 और 2014 में संपन्न हुआ। दूसरा, चौथा और छठवां संस्करण फ्रांस में 2005, 2010 और 2019 में आयोजित किया गया था।